दारुस्सलाम पहुंचे पीएम मोदी, क्राउन प्रिंस ने किया स्वागत। बंगाल विधानसभा में पारित हुआ अपराजिता बिल, बलात्कार के दोषी को 10 दिन में फांसी की सजा का प्रावधान। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे और राहुल गांधी ने की पदाधिकारियों संग बैठक, संगठन को मजबूत बनाने के मुद्दे पर की चर्चा। पीडीपी प्रमुख महबूबा मुफ्ती का बड़ा बयान, कहा भाजपा ने सब तितर बितर कर दिया। नमस्कार, स्वागत है आपका आज की खबर में। मैं हूं आपके साथ महिमा शर्मा। बढ़ते हैं देश की बड़ी खबरों की ओर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी दो देशों की अपनी यात्रा के पहले चरण के तहत ब्रुनेई पहुंच गए हैं। ब्रुनेई दारुस्सलाम में पीएम मोदी का क्राउन प्रिंस हाजी अल मुहतादी बिल्ला ने स्वागत किया। ब्रुनेई पहुंचने पर पीएम मोदी को गार्ड ऑफ ऑनर दिया गया। ब्रुनेई में पीएम मोदी देश के शीर्ष नेतृत्व के साथ वार्ता करेंगे और द्विपक्षीय संबंधों को बढ़ावा देने के तरीकों पर चर्चा करेंगे। मोदी द्विपक्षीय यात्रा पर ब्रुनेई आने वाले पहले भारतीय प्रधानमंत्री हैं। पीएम मोदी ने कहा कि वो दोनों देशों के बीच ऐतिहासिक संबंधों को नई ऊंचाइयों पर ले जाने के लिए सुल्तान हाजी हसनल बोल्किया और शाही परिवार के अन्य सदस्यों के साथ अपनी बैठकों को लेकर उत्सुक हैं। पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने कोलकाता के मेडिकल कॉलेज और अस्पताल में ट्रेनी डॉक्टर की हत्या और बलात्कार मामले पर विधानसभा में बयान दिया। ममता बनर्जी ने कहा, मैंने प्रधानमंत्री को दो पत्र लिखे थे लेकिन मुझे उनकी तरफ से कोई जवाब नहीं मिला, बल्कि मुझे महिला एवं बाल विकास मंत्री की तरफ से जवाब मिला, लेकिन मैंने उनके जवाब का भी जवाब देकर प्रधानमंत्री को अवगत कराया। जब चुनाव से पहले जल्दबाजी में न्याय संहिता विधेयक पारित किया गया था, तब मैंने कहा था कि इसे जल्दबाजी में पारित नहीं किया जाना चाहिए, इसमें राज्यों से सलाह नहीं ली गई। 2022 ধর্ষণের ঘটনায় সব রাজ্যেই পুলিশ আছে, সেন্ট্রালেও আছে। ধর্ষণের ঘটনায় গড়ে 76% ক্ষেত্রে পুলিশ তদন্ত শেষ করে চার্জশিট জমা দিতে পেরেছে, কিন্তু মাত্র 2.6% 56% ক্ষেত্রে অপরাধী দোষী সাব্যস্ত হয়েছে। প্রবলেমটা কিন্তু এই জায়গায় রয়ে গেছে, গলদটা। ধর্ষণ রোধে দ্রুত বিচার এবং কঠোরতম সাজার দাবি জানিয়ে আমি দুটো চিঠি ইতিমধ্যেই প্রধানমন্ত্রীকে লিখেছি। আমি যেহেতু তার কাছ থেকে কোনো উত্তর পাইনি, উত্তর দিয়েছেন একজন উইমেন অ্যান্ড চাইল্ড ডিপার্টমেন্টের মিনিস্টার, কিন্তু তিনি যে উত্তর দিয়েছেন সেটাকেও কাউন্টার করে আমি প্রধানমন্ত্রীকে জানিয়েছি। যদি দিল্লি নিজে এই চিঠি দুটো স্যার সবার জ্ঞাতার্থে ডাক্তার কে দিয়ে দেবে টেবিলে, আমি প্রধানমন্ত্রীকে লেখা চিঠিগুলো এখানে পেশ করলাম। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे और पार्टी के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी ने अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के सचिवों और संयुक्त सचिवों के साथ बैठक की और इस दौरान संगठन को मजबूत करने के तरीकों पर चर्चा की। मिली जानकारी के मुताबिक खड़गे और गांधी ने यहां कांग्रेस मुख्यालय में इन नेताओं से मुलाकात की और संगठन को मजबूत करने के साथ ही पार्टी का जनाधार बढ़ाने पर उनकी प्रतिक्रिया मांगी। ये बैठक एक बड़े संगठनात्मक फेरबदल के कुछ दिनों बाद हुई है। इस फेरबदल से पार्टी ने कुछ नए पदाधिकारियों के प्रभाव वाले राज्यों में बदलाव किया था, जबकि कई नए सचिवों और संयुक्त सचिवों की नियुक्ति की गई थी। खड़गे जी सतीश के साथ मुलाकात करनी थी, संयोग से वक्त नहीं मिल रहा था और आज वक्त मिला और एक शिष्टाचार मुलाकात की है। अरे विपक्ष के लोग हैं, वो तो अपने बयान देंगे, अपने बयान पर रहने दीजिए, हमें अपने काम करने दीजिए। विधानसभा चुनाव के लिए मतदान की तिथि जैसे जैसे नजदीक आ रही है, वैसे ही नेताओं में राजनीतिक आरोप प्रत्यारोप का स्तर भी बढ़ने लगा है। वहीं अब भाजपा के साथ गठबंधन के सवाल पर पीडीपी प्रमुख महबूबा मुफ्ती का भी बयान सामने आया है, जहां महबूबा मुफ्ती ने कहा कि बिल्कुल नहीं, हमने भाजपा के साथ जम्मू कश्मीर के मसले के हल के लिए हाथ मिलाया था। हमें लगता था कि वाजपेयी जी की बात को आगे चलाएंगे, लेकिन आज भाजपा ने सब तितर बितर कर दिया है। जम्मू कश्मीर के मसले के हल के लिए हाथ मिलाया था कि अगर मुफ्ती साहब को वजीर आला बनना होता तो वो कांग्रेस के साथ मिलकर भी बन सकते थे। तो हमारा एजेंडा था रेजोल्यूशन, जिसके लिए आपको याद होगा कि अशोक जेटली भी यहाँ आए बातचीत के लिए, रामविलास पासवान आए, होम मिनिस्टर आया, मगर हुर्रियत वालों ने दरवाजे नहीं खोले तो मैं क्या करूं। तो आज तो कोई गुंजाइश ही नहीं लग रही है कि खुदा ना खास्ता जो
जो जो हमें ये ख्याल था कि वाजपेयी जी की बात को आगे चलाएंगे, आज तो इन्हें सारा तितर बितर कर दिया बीजेपी। अरे देखिए, ये तो मुझे नहीं मालूम कंपल्शन है ये क्या है, पर जहां जहां भी एनसी और कांग्रेस का अलायंस हुआ है वहां पर, खासकर जैसे आपको लद्दाख में अलायंस हुआ था तो एनसी ने इंडिपेंडेंट कैंडिडेट खड़ा कर दिया, जो जीत के आ गया फिर वो एनसी में चला गया, तो हर जगह वही फ्रेंडली फाइट हो रहा है, तो अलायंस का तो। मगर दूसरी बात, जहां तक साउथ कश्मीर का सवाल है, साउथ कश्मीर में स्कूल अपग्रेडेशन लेके, कॉलेजेस से लेके, यूनिवर्सिटी से लेके, एम से लेके, तहसीलों से लेके, डिस्ट्रिक्ट से लेके, अगर कुछ काम हुआ है वो मुफ्ती साहब के 3 सालों में हुआ है, नेशनल कॉन्फ्रेंस के 50 साल। छत्तीसगढ़ से एक बड़ी खबर सामने आ रही है, यहाँ 9 नक्सलियों को मुठभेड़ के दौरान ढेर कर दिया गया। आईजी बस्तर पी सुंदराजन ने बताया कि दंतेवाड़ा बीजापुर सीमा पर जंगल में सुरक्षा बलों और नक्सलियों के बीच मुठभेड़ में 9 नक्सली मारे गए हैं। आईजीपी सुंदरराज पी ने बताया कि क्षेत्र में पश्चिम बस्तर मंडल इकाई से संबंधित नक्सलियों की मौजूदगी के बारे में गुप्त सूचना मिली थी। इसके बाद डिस्ट्रिक्ट रिजर्व गार्ड और केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल के जवानों को नक्सली विरोधी अभियान के लिए भेजा गया था। काफी देर तक रुक रुक कर गोलीबारी होती रही, जिसके बाद तलाशी अभियान 9 नक्सलियों के शव मौके से बरामद किए गए। 2 सितंबर को बीजापुर दंतेवाड़ा सीमावर्ती इलाके एंड्री पुरंगेल लावा मिथुन किन्नूर अंतर्गत आता है, यहाँ पर पश्चिम बस्तर डिवीजन, दरबार डिवीजन एवं पीएलजी कंपनी नंबर 2 की नक्सलियों की उपस्थिति की सूचना पर दंतेवाड़ा से डीआरजी बस्तर पैट्रिक की टीम एवं सीआरपीएफ 111 यंग प्लाटून की टीम ज्वाइंट ऑपरेशन में लॉन्च हुई थी, और आज मॉर्निंग 3 सितंबर को टीम ने जब घेराबंदी किया तो नक्सलियों द्वारा फायरिंग किया गया, उसके पश्चात जवाबी कार्रवाई की गई। मुठभेड़ पश्चात 9 नक्सलियों का वर्दीधारी नक्सलियों का शव बरामद हुआ, साथ ही में हथियार, ऑटोमेटिक वेपन्स जैसे SLR 303 फैक्ट्रीमेड वेपन्स। 2 सितंबर। देश की बड़ी खबरों में फिलहाल इतना ही, देश दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए आज की खबर।